पश्चिम बंगाल में बारिश भले ही रुक गई है, लेकिन दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते राज्य के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। स्थिति और बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। डीवीसी ने बताया कि मैथन और पंचेत से कुल 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर के पांसकुड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इलाके का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने डीवीसी के पानी छोड़ने के तरीके पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह लोगों को डुबाया गया तो मैं डीवीसी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बारिश का पानी नहीं है, ये केंद्र सरकार की संस्था डीवीसी द्वारा अपने बांधों से छोड़ा गया पानी है। ये मानव निर्मित बाढ़ है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार डीवीसी के बांधों की सफाई क्यों नहीं कर रही है, जहाँ जल भंडारण क्षमता 36% कम हो गई है और इसमें एक बड़ी साजिश की गई है। বৃষ্টির জন্য এই বন্যা হয়নি, দিস ইজ নট ফর রেন। ইয়েস, ফোর ফাইভ ডেজ দেয়ার ওয়াজ এ রেন, বাট উই ক্যান টলারেট দ্যাট, উই হ্যাভ সো মেনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড সিস্টেম, বাট আই ক্যানট টলারেট, পিপুল ক্যানট টলারেট মোর দেন 5 lakh কিউসেক ওয়াটার হোয়াট ইজ বিন রিলিজড ফ্রম ডিভিসি অ্যান্ড আদার এরিয়া। দ্য ক্যাপাসিটি অফ ডিভিসি ড্যাম, ইট কেম ডাউন 36% অনলি, so far my knowledge is concerned, from 100% to, because definitely the negligence from central government, no dredging, no desiltation, years to years, and we are fighting the battle every year. Why Bengal people will fight the battle? They said let the Jharkhand be saved. I said yes, Jharkhand be saved, Bengal must be saved also. I cannot protect you instead of my people. আমার জনগণের